अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी गोल गोल क्यों घुमा रहे हैं? माननीय सदस्य ने पूछा कि जिन इक्विपमेंट्स पर जीएसटी ये है, ये माननीय सदस्य भी जानते हैं, मैं भी ये बात मानता हूं कि जीएसटी काउंसिल है, स्टेट काउंसिल, आप अकेले निर्णय नहीं ले सकते हैं। लेकिन माननीय मंत्री जी, जब आप ये कहते हैं कि रेवेन्यू सरप्लस बजट है आपका, अगर रेवेन्यू सरप्लस बजट आपका है तो ट्रॉली में आप बताइए क्यों वसूल रहे हैं 24,000 रुपए, आप 54,000 वसूल रहे हैं गिट्टी लोडर पर। तो किसान को सुविधा देने के लिए क्या ये डबल इंजन की सरकार इस बात पर सोचेगी कि जिस स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू सरप्लस है, क्या किसानों को सुविधा देंगे? अगर आप किसानों की सुविधा देंगे तो किसानों की आय बढ़ेगी, दोगुनी तो सपना है लेकिन कम से कम उनकी आय बढ़ेगी, क्या आप इस पर विचार करेंगे? किसानों की आय बढ़ाने के लिए हमने बहुत से स्टेप्स उठाए, 50-50 साल हो गए जिनको, जिन योजनाओं को सिंचाई की योजनाएं 50 साल हो गए उनको पूरी नहीं हुई, आपकी भी सरकार रही, आप भी पूरा नहीं कर पाए, और हमने जो सन 70, 75 और 77 तक की योजनाओं को इस सरकार ने पूरा, योगी सरकार ने पूरा किया, और जहां तक उसकी बात है, जहां तक सब्सिडी की बात है, आज नैनो यूरिया हमारी देन है, एक आधी बोतल में हम पूरी बोतल का पूरी बोरी का काम कर रहे हैं, आधी बोतल नैनो यूरिया में, जहां पर जैसी आवश्यकता होती है मान्यवर, इस सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ सब्सिडी दी है और आगे भी जरूरत पड़ेगी तो देंगे। एमएसपी हमने कितने जो जितने मिलेट्स आ रहे हैं, जितने कृषि उत्पादन है उस पर सबसे ज्यादा एमएसपी बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया, केंद्र सरकार ने किया, हमारी सरकार ने किया, ये स्वीकार कर लेना चाहिए, आपको भी स्वीकार करना चाहिए। ये नहीं, माननीय सदस्यों से पूछ लीजिए, क्या अध्यक्ष महोदय सबसे ज्यादा अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्यों से पूछ लीजिए, अगर ये बात सच है तो आज धान कितनी खरीद हो गई, माननीय सदस्यों से पूछ लीजिए, यहाँ भी बैठे हैं, वो आगे आएगा, धान की आगे आएगा, और वो आगे है, वो आगे है अध्यक्ष महोदय, वो आगे आएगा अभी इसी, क्या गेहूं सरकार ने खरीदा या प्राइवेट कंपनियों को खरीदा? जीएसटी बात बढ़ाइए मत, मैं आपसे केवल ये चाहता हूं, माननीय मंत्री जी मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि माननीय सदस्य ने ये पूछा है कि जीएसटी इतने 12% से लेकर के 18% आप इक्विपमेंट्स और जो फार्मर्स यूज करते हैं वो ले रहे हैं, क्या डबल इंजन की सरकार और रेवेन्यू सरप्लस सरकार और लगातार चलती हुई सरकारें दिल्ली में 10 साल और यूपी की लगभग 7 साल, क्या ये किसान की मदद के लिए आप जीएसटी कम करेंगे या आप अपने खजाने से दोगे किसानों को सुविधा या नहीं दोगे? जीएसटी कम करना मान्यवर ये हमारे हाथ में नहीं है, और जहां जैसी आवश्यकता होती है वहां सब्सिडी भी दी जाती है और किसानों की मदद भी की जाती है, पूरा सहयोग किया जाता है। मैं ये जानना चाहता हूँ क्या ये 12 से 18% जीएसटी लग रही है किसानों के इक्विपमेंट्स पे? वो कम नहीं कर पाएंगे, ट्रैक्टर पे लग रही है, कंबाइन, वो जीएसटी का अधिकार इनको नहीं है, अरे हैरो पे लग रही है, कल्टीवेटर पे लग रही है, अरे वो अधिकार नहीं है, लग तो रही है लेकिन जब उनका राइट नहीं है तो वो कैसे उसका उत्तर दे देंगे?